हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूकर माइकोसिस के बारे में, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है। क्या होता है ब्लैक फंगस, इसके कारण क्या है होने के, साथ ही इसके क्या शुरुआती लक्षण हैं और इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, क्या होता है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि म्यूकर माइसिटीज नाम के फंगाई से होता है। ये फंगाई हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये मिलता है, जैसे ज़मीन में, गीली सरफेसेस में, मिट्टी में, खाद में, लकड़ियों में, गीली लकड़ियों में, सड़ी सब्जियों में, या बहुत दिन की रखी सब्जियों में, बहुत दिन के रखा खाने में, आपकी घर की गंदगी में, आपके घर के आसपास जो भी गीली मिट्टी होगी या फिर बहुत दिन का जमा हुआ पानी होगा, वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन आपके शरीर में कैसे पहुँचता है, पहले तो नाक के द्वारा आपके जब आप इनहेल करेंगे, सांस लेने के दौरान जा सकता है। आपको कोई घाव लगा है, चोट लगी है, उस दौरान आपके शरीर में पहुँच सकता है। स्किन के थ्रू आपके शरीर में पहुँच सकता है, या खाने के थ्रू आपके पूरे बॉडी में पहुँच सकता है। अब हम बात करेंगे किन लोगों में म्यूकर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है। जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन लोगों में ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है। उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे ये फंगस उन व्यक्तियों पर हावी हो जाता है और उन्हें नुकसान पहुँचाता है। सेकेंड चीज, जिनको कोविड हो चुका है या कोविड हुआ है और इम्यूनिटी कम हो चुकी है, इस दौरान ये फंगस उनको उन पर अटैक कर सकता है और उन पर हावी हो सकता है। थर्ड चीज़, जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद से स्टेरॉइड ले रहे हैं या लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी में चल रहे हैं, कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दिया जाता है, तो इस दौरान भी आपको ये फंगल इन्फेक्शन अटैक कर सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से, उन लोगों में ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, हार्ट की, लीवर की, लंग्स की, तो उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ओल्ड एज में ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के ट्रीटमेंट में कुछ स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, हैवी स्टेरॉइड दिया जाता है, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये फंगल इन्फेक्शन अटैक कर सकता है। म्यूकर माइकोसिस होने पर आपको कौन कौन से लक्षण देखने मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण है, आपकी आँख लाल हो जाएगी, आँख में खुजलाहट हो सकती है, सूजन हो सकती है, आँख में दर्द हो सकता है, आँख से पानी आ सकता है। इसके अलावा आपकी आईलिड ड्रॉप हो सकती है, नीचे की तरफ आपकी पलकें झुक सकती हैं। इसके अलावा आँख में सूजन आ सकती है, चेहरे के एक साइड सूजन आ सकती है या दोनों साइड सूजन आ सकती है। इसके अलावा आपकी नाक या आँख के साइड में ब्लैक कलर के निशान आ सकते हैं, जो कि मस्से की तरह हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी नाक बंद रह सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, आपको नाक से ब्राउनिश ब्लैक कलर का डिस्चार्ज म्यूकस निकल सकता है। इसके अलावा आपकी आँख में कम दिखना शुरू हो सकता है, धुंधलापन दिखना शुरू हो सकता है। इसके अलावा डबल विजन शो हो सकता है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपके फेफड़ों को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आपको सर्दी, खांसी, बुखार हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर GIT ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आपको पेट दर्द हो सकता है, उल्टी, दस्त हो सकते हैं।
आपको लेटरिंग की जगह से खून आ सकता है, उल्टी से खून आ सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमें म्यूकर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन से देखने मिल सकते हैं। शुरुआती स्टेज में, शुरुआती कंडीशन में आपको ये सिम्टम्स कम मिल सकते हैं, जैसे आँखों में लालपन होना, आँख में खुजली होना, डिस्चार्ज होना, पानी निकलना आँख से, नाक बंद रहना। ये सब सिम्टम्स आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं और तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है। म्यूकर माइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एंटीफंगल इंजेक्शन जिसमें एम्फोटेरिसिन भी दिया जाता है। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सर्जरी के द्वारा उस पार्ट को निकालना भी पड़ सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है म्यूकर माइकोसिस, इससे लोगों की आँखें भी ख़राब हो रही हैं जिससे उनको निकालना भी पड़ सकता है। म्यूकर माइकोसिस से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला तो आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट लेना है, विटामिन्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, हरी सब्जियां पर ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। हरी सब्जियां अगर यूज़ करते हैं तो अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको ताज़ा गर्म खाना खाना है, बहुत देर का रखा हुआ या बासा खाना नहीं खाना है, तुरंत बनाना है और खाना है। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करें जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग होल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, डायफ्रैगमेटिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, हफिंग कफिंग कर सकते हैं, स्पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट करके आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप फॉलो करें। इसके अलावा आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने शरीर के साथ अपने घर की साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास की साफ़ सफाई रखें। घर में कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो पाए, धूल मिट्टी ना जम पाए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखें, अपने शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटर करते रहें, अपने लक्षणों पर ध्यान देते रहें। अगर कोई भी ऐसे लक्षण आपको अलग से नज़र आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, खुद से स्टेरॉइड का डोज डिसाइड नहीं करना है, खुद से स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्टेरॉइड की डोज ऊपर नीचे होने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ये इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें आप, जिससे आप अपने म्यूकर माइकोसिस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।